नमस्ते, वाव कृषि चैनल में आप सभी का स्वागत है। गर्मियां शुरू हो गई है, ऐसे में बहुत सारे लोगों को पेट की गर्मी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं रहेगी। जैसे पेट में अचानक से जलन लगने लग सकती है, आपको बार बार ऐसे लगेगा कि जैसे पेट में से हीट पैदा हो रही है, और आपको शरीर में बहुत ज्यादा पसीना आएगा, अचानक से बेचैनी महसूस होने लगती है, या फिर आपको बहुत ज्यादा गर्माहट महसूस होती है। इसका मतलब यही है कि पेट की गर्मी है, उसे आप किस तरह से सही कर सकते हैं। गर्मियां बढ़ने के साथ में ही पेट की गर्मी सबसे ज्यादा होने लगती है। ये किसी को भी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। हम रीजन, रेमेडी और रिमूव किसे समझेंगे। अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या रहती है कि पेट की गर्मी आपको परेशान करती रहती है, गर्मियां आते ही आपको गर्मी का आनंद नहीं उठाने देती, तो आज के इस वीडियो को आप जरूर देखें। जैसे बहुत ज्यादा मिर्च मसाला या ऑयली खाना खाने से इस प्रकार की समस्या हो सकती है। बहुत ज्यादा गर्मी लगने के कारण, या फिर आप एकदम से गर्म में ज्यादा निकलते हैं, जैसे कि धूप में जाना आना रहता है, तो भी इस प्रकार की समस्या होने लगती है। अगर आपके गले में या फिर पेट में कहीं पर भी छाले बनने लगते हैं, तो भी पेट की इस प्रकार से जलन होगी, पेट की गर्मी निकलेगी। अगर पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता है कि आपको कब्ज की शिकायत रहती है, फिर आपके पेट में मरोड़ लगती है, तो भी इस प्रकार से आपके पेट में गर्मी निकल सकती है। लू लग जाने के कारण भी इस प्रकार की समस्या होने लगती है। धूप में जाकर आ जाता है, उसके बाद उसके हाथ पैर एकदम से गर्म होने लगते हैं, सिर गर्म हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि पेट की गर्मी बढ़ जाती है, जिसके कारण पेट के अंदर सबसे ज्यादा जलन महसूस होती है। किसी व्यक्ति को पेट की गर्मी होती है तो उसे बहुत सारे ऐसे लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे एसिडिटी होने लगती है, खाना ऊपर की तरफ आने लगता है, फेस पर इस प्रकार से दाने बन जाते हैं या फिर फोड़े पुंसी बनने लगते हैं, उसके कारण आपके सिर के अंदर भी खुजली चल सकती है या सिर में भी फोड़े बन सकते हैं। पेट की गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो चेस्ट पेन हो सकता है, या फिर आपको बहुत ज्यादा हैवीनेस लगेगा, आपको थकावट लगेगी, कमजोरी आ जाएगी, तो ये भी बहुत ज्यादा महसूस होता है। लेकिन इसके लिए हम ऐसे रेमेडी करेंगे कि पेट की गर्मी आपको होते ही अगर इन उपायों को करेंगे तो आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको हमेशा ही पेट की गर्मी बनी रहती है, पेट में जलन लगी रहती है, तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। अच्छी रेमेडी होती है पेट के लिए, वह होती है केला। अगर किसी व्यक्ति को पेट की गर्मी निकल रही है, आपको ऐसे लग रहा है कि पेट बिल्कुल गरम गरम हो रहा है, हाथ पे गरम है, आप धूप से आए हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि लू लग गई है, तो भी आप केले का सेवन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, केला लेना है दो और उसे अच्छे से चबा चबा करके खाना है। अगर रोज आप इस तरह से केला खाते हैं तो आपके पेट की गर्मी बिल्कुल सही होती है। केले में जो पीएचडी तत्व होते हैं शरीर में पेट के एसिड को कंट्रोल करके रखते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी की समस्या नहीं होती, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। केले में बहुत ज्यादा फाइबर होने के कारण आपके पाचन तंत्र को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो इसीलिए गर्मी के मौसम में आपको केला जरूर खाना है, जो आपको ठंडक देगा, पेट की गर्मी को खत्म करेगा, पाचन क्रिया को मजबूत करेगा और खाने को अच्छे से पचाएगा। इसी तरह से पेट की गर्मी कम करने के लिए आप जीरे का सेवन भी कर सकते हैं। अभी काफी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है, बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं। आप क्या करें, थोड़ा सा जीरा लीजिए, उसे आप कई तरह से यूज ले सकते हैं। जैसे अगर आप नींबू पानी बनाकर लेते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा भुना हुआ जीरे को आप पाउडर बना लीजिए, उसे उसमें डालकर पीजिए, जिससे पेट की गर्मी सही होती है। उसी तरह से अगर आप छाछ पीना पसंद करते हैं तो उसमें भी आप जीरा भुना हुआ डाल सकते हैं, ये आपके पेट की गर्मी को सही करता है, खाने को पचाता है। जीरे का सेवन आप कई तरह से ले सकते हैं, जो गर्मी में सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इसी तरह से आपको जीरा लेना है, उसी तरह से पुदीने का सेवन भी आप कर सकते हैं। पुदीने का सेवन आप जैसे कि चटनी बना कर ले सकते हैं, पत्ते को ऐसे ही चबा कर ले सकते हैं, या फिर ठंडा पानी करके उसके अंदर कुछ पुदीने के पत्ते ऐड करके उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके उसे भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर छोटी छोटी सी चीजें आप रोज करते रहते हैं गर्मियां शुरू होते ही, तो आपके पेट की जलन, पेट की गर्मी को आप सही कर सकते हैं। पेट की गर्मी अगर जब भी आपको थोड़ी सी भी फील होती है, आप ठंडे पानी का सेवन कर सकते हैं, यानी कि मटके के रखे हुए पानी को आप बार बार सीप सीप करके पीते रहे, वह सबसे अच्छी औषधि होती है। तो इस तरह से फ्रिज का पानी नहीं पीना है, फ्रिज का पानी पीने से आपको और ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप मटकी का पानी पीते हैं तो आपको ठंडक देता है, खाने को अच्छे से पचाता है और भी बहुत सारी बीमारियों को सही करता है। तो गर्मी के मौसम में अगर आपको पेट की बहुत ज्यादा गर्मी परेशान कर रही है तो इन उपायों को आप कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें मौसम में नहीं खानी चाहिए, लेकिन बार गर्मी के मौसम में तो हमें बिल्कुल भी उन चीजों को नहीं खाना है। जैसे तला हुआ मिर्च मसाले, इनको हमें गर्मी के मौसम में अपने आप ही पहले कम कर लेना है।
जिसकी वजह से एसिडिटी नहीं बने, पेट में जलन नहीं हो, आपके गले में, मुंह में या कहीं पर भी छाले ना बने, इस प्रकार की समस्याएं पैदा ना हो। खाना जो आपकी गर्मी करता है शरीर के अंदर, ऐसे खाने को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप जब कभी धूप में निकलते हैं तो पानी पीने का आपको पूरा ध्यान रखना है कि थोड़ी थोड़ी देर में आपको पानी पीते रहना है। जैसे आप बाहर जाते हैं तो नारियल पानी ले सकते हैं, या फिर अगर आप नींबू पानी ले सकते हैं, गन्ने का जूस ले सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपके पेट की गर्मी को सही करते हैं। आपको बस लिक्विड चीज ज्यादा लेनी है, पानी पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर पानी कम पीते हैं तो भी पेट में से जलन या फिर गर्मी निकलने लगती है, जिसके कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर पेट की गर्मी होती है तो इन छोटी छोटी चीजों को आप करके अपनी गर्मियों को अच्छा बना सकते हैं। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो सभी के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।